नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में, जो सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के करीब है। आइए यहाँ पे हम प्रकाश डाल के अंदर के तमाम पदाधिकारियों से समझते हैं क्या है और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था प्रत्येक दिन किया जाता है। तो हमारे साथ अंदर चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और चीज़ों को और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं। प्रेम से बोलिए, गायत्री माता माता की जय, गायत्री माता की जय। गायत्री माता का ये आरती वो आप देख पा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। तो हमें बताइए आज का परिदृश्य के बारे में, अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, गायत्री परिवार का जो है यहाँ पे कार्य देख रहा हूँ स्थानीय स्तर पे। यहाँ पे जो है आज जो है गायत्री परिवार का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2006 में इसकी स्थापना हुई, आज जो है 16वां स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया। कल 15 तारीख को विशेष कार्यक्रम था जप का, 12 घंटा खंड जप हुआ। शाम को दीप यज्ञ का कार्यक्रम हुआ और नौ कुंडी यज्ञ के माध्यम से आज जो है इसका, उसके बाद में भोजन प्रसाद के द्वारा आसपास के जितने भी गायत्री परिवार के जो भी जुड़े हुए हैं, अन्य अन्य जो है नगरवासी, सब लोग उपस्थित रहे हैं और अच्छी संख्या में यहाँ पे उपस्थित रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। और प्रत्येक वर्ष जो है 15-16 अप्रैल के आसपास ये कार्यक्रम जो है मनाया जाता है। 16वां स्थापना दिवस आज सब जी, ये प्रत्येक साल लगातार से होता आ रहा है, लगभग कितना वर्ष, 16वां वर्ष जो है कंटिन्यू होता आ रहा है। अच्छा, नहीं जी, इसका स्थापना हुआ साथ 16 वर्ष इसको हो गया जी। एक्चुअली में ये शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से जो है पूरे भारतवर्ष में 5-6 हज़ार से ऊपर केंद्र है, ऐसे ही केंद्र जो है जिसके माध्यम से पूरे देश में पूरी एक्टिविटी चलती है। और पूरे जो है गुरुदेव के विचारों को, जो पंडित श्री राम शर्माचार्य हमारे गुरुदेव हैं, उनके विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए ये प्रयास चल रहा है। और उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हमारे बीच में जो है आदरणीय श्री तपन देव जी हैं जो शांति कुंज से आए हैं, वो इस विषय में विस्तार से आपको बताएं। जी जी, तपन देव जी आपका स्वागत है। तो हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है और क्या परिदृश्य अभी तक क्या मिला हमें। गायत्री परिवार की ओर से आप सभी को प्रणाम, सादर नमन। देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा शांति कुंज की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ। नए वर्ष जो मंगला का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, वो तो नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायत्री परिवार से जुड़े। गायत्री परिवार ये परम पूज गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा ये स्थापित किया गया था गायत्री परिवार के नाम से, क्योंकि अभी तक जितने भी हैं वो संघ या संस्थाएं के नाम से जो है संस्थाएं बनी हैं, संघ के नाम से बनी है, लेकिन परिवार के नाम से ये पहली संस्था हिंदुस्तान की है, भारत की, जो परिवार बोलता है कि हम गायत्री परिवार हैं, संघ नहीं है या हम कॉरपोरेट नहीं हैं। तो ये परम पूज गुरुदेव का ही है कि सबको परिवार के हिसाब से लेते हैं। और मैं आया हूँ गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में, एक बांग्ला विभाग है उसका दायित्व मुझे मिला है, तो उसके अंतर्गत ये पूरा पश्चिम बंगाल ही आता है जिसमें मैं आया हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस समय मैं 16 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में आज मैं सिलीगुड़ी शक्तिपीठ में बैठा हुआ
ये मेरा सौभाग्य है। और ये जो नया वर्ष प्रारंभ हुआ ये भी एक संयोग है। दूसरा, हमारे यहाँ से 16 सप्ताह हो गए हैं वृक्षारोपण। एक डॉक्टर सुगंध है अग्रवाल जी, जो कि 16वां सप्ताह आज ही पूर्ण करेंगे, तो उनका भी अभिनंदन है शांतिगंज की ओर से कि वह ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और यहाँ जो सिलीगुड़ी का जो गायत्री परिवार है वो भी निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। 16 वर्ष पूर्ति का मतलब ही है कि बहुत निरंतर बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र पूरा ही गायत्रीमय हो जाए, ताकि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण ठीक से हो जाए तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए। तो ये आज जो 16वां वर्ष का जो आप बता रहे हैं, जो संपूर्ण हुआ अपना इस मंदिर का, ऐसे समय में आप समाज देशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नकारात्मक सोच से हटिए और सकारात्मक सोच की तरफ आइए, क्योंकि आजकल हम पद पद पे नकारात्मक ही सोच लेते हैं, सकारात्मक नहीं सोचते हैं। जिस दिन ये पुरातन चीज, ये हमारे पुरातन लोगों के अंदर था कि नकारात्मक नहीं सोचते थे, सकारात्मक सोचते थे, तो पूरा मोहल्ला ही परिवार हो जाता था। आज एक फ्लैट जो है वो परिवार हो गया है, वो चार दीवारी ही उनका परिवार हो गया है, वही मोहल्ला हो गया है। जबकि आज मोहल्ले को अपना परिवार बनाना है, इस उद्देश्य से गायत्री परिवार आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए थोड़ा, आज प्रकाश डालिए आज के। मेरा नाम दशरथ प्रसाद शाह है जी। मैं शांति कुंज की ओर से जोन समन्वय के रूप में गायत्री शक्तिपीठ सिलीगुड़ी में पदास्थापित हूँ। और हमारे पंच गुरुदेव का जो संकल्प है, मानव में देवत और धरती पर स्वर्ग प्राप्त है, इसका एक ही मार्ग है कि पहले मनुष्य श्रेष्ठ बने। हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। तो युग को परिवर्तन करने का जो आह्वान परमेश गुरुदेव ने दिया गया है, उस आह्वान के अंतर्गत 7 आंदोलन हैं। उन आंदोलनों के माध्यम से लोग अच्छे कुछ करें, श्रेष्ठ काम करें, अपने को श्रेष्ठ बनाएं और फिर समाज को एक नई दिशा देते हुए जीवन जीने की कला सिखाएं। तो जो गायत्री और यज्ञ से ही संभव है, तो इसी के माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ जन जागरण का केंद्र बने परमेश गुरुदेव ने कहा है। तो यह सिलीगुड़ी में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना जो हुई है 2006 में, आज उसका 16वां वर्ष है, उसके अंतर्गत यह फिर हम सभी को बोध कराते हैं या बोध कराए कि हम सभी अच्छे बने, श्रेष्ठ बने और एक सभ्य समाज की स्थापना हो, इसके लिए हमें पहले साधना के माध्यम से, गायत्री उपासना के माध्यम से सद्बुद्धि की स्थापना करते हुए एक सभ्य समाज की कल्पना करें और अच्छे काम को आगे करते हुए चलें। तो निश्चित रूप से सिलीगुड़ी ही नहीं, सिलीगुड़ी के अंतर्गत जो 16 जिले आते हैं वह सभी अच्छे और श्रेष्ठ बनते जाएंगे। यही परमेश गुरुदेव का उद्देश्य है, लक्ष्य कि मानव में देवत और धरती पर स्वर्ग प्राप्त है। अपना नमस्कार। अपना इस मंदिर में क्या क्या क्रियाकलाप किया जाता है उस पर थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालिए। प्रतिदिन यज्ञ होता है जी, प्रातःकाल आरती, उसके बाद में प्रातः यज्ञ, यज्ञ के बाद में विभिन्न प्रकार के संस्कार। जो हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताया गया, उसमें से परमपूज्य गुरुदेव ने 12 संस्कारों को मुख्य रखा है। तो उसमें प्रतिदिन जैसे जन्मदिन हो गया, विवाह दिन हो गया, इसके अलावा जितने भी संस्कार हो वैदिक रीति से प्रतिदिन मनाए जाते हैं, जो भी डिमांड आती है उस हिसाब से। इसके अतिरिक्त घर घर में हम लोग यज्ञ का प्रोग्राम भी कराते हैं, जिनके गृह गृह यज्ञ का होता है। इसके अलावा अभी बताया गया वृक्षारोपण चल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा बीच बीच में हम लोग जो है शिविर चलाते हैं, अपने विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को बुला के प्रशिक्षण देते हैं। संगीत की कक्षाएं चलती है, कभी कभी जैसे मंडलों, छोटे छोटे मंडलों के माध्यम से यहाँ पे जो है पूरे क्षेत्र में जागृति का कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय का कोई और नहीं, जो भी अच्छे विचार के लोग हैं सबको लेकर के चलने का उद्देश्य है, चाहे वो कोई भी पंथ के हों। बहुत बहुत धन्यवाद। निःशुल्क कराया जाता है, कोई चार्ज नहीं। जी जी, ऐसे अवसर पर मेरे चैनल के तरफ से, समस्त टीम के तरफ से आप सभ्यस्त महानुभावों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। जी जी, अपना गुरुदेव का जो 7वां आंदोलन है जी, जी 7वां आंदोलन में अभी हम लोग का वृक्षारोपण का, नशा मुक्ति का और युवाओं को तैयार करने का, युवा जो आज भटक रहे हैं जी, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनको हम लोग अपने समाज से जोड़ के, अपने गायत्री परिवार से जोड़ के युवा परिश्रम को चाहते हैं कि उद्देश्य पर तरक्की में अपना काम करें।
सबसे अनुरोध है आप आए गाजी परिवार युवा प्रोफेशनल में सब जुड़े और देश का कल्याण करें। आप अपना परिचय दें। राजेश शर्मा गाजी परिवार युवा प्रोफेशनल। धन्यवाद। अच्छा जब से आप ये क्रिया कार्य भार को आपने कंधे पर लिया है, गायत्री परिवार लिया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? जो मुझे बहुत परिवर्तन देखने को मिला समाज में, आज अच्छाई के बल पर तो समाज दुनिया टिका हुआ है जी। बुरे लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी हैं जी। आज जो चंद अच्छे लोग हैं उनके बदौलत दुनिया टिका हुआ है जी। तो ऐसे हम लोग समाज से जो लोग भाई बच्चों को लाते हैं, जो भटके हुए हैं उनको ला के अपना कहते हैं ना, मानव देखिए हर इंसान के अंदर भगवान और शैतान दोनों हैं जी, संदेह है ना। किसी में शैतान जागरूक ज़्यादा है, भगवान के लिए कम है, किसी में भगवान ज़्यादा मन उनका ये अच्छाई करते हैं, किसी बुराई। तो ये हम लोग क्या करते हैं, उनको अच्छा से ट्रेनिंग होता है अपना, एक युवा आए और अच्छा बने और देश के काम में आगे बढ़े। यानी आपकी बातों से ये परिकल्पना हम निकाल सकते हैं कि इंसान या व्यक्ति विशेष बुरा नहीं होता है, उसकी सोच बुरी होती है, उसको अगर हम लोग परिवर्तित कर दें तो वो सही एक अच्छा इंसान बन सकता है। विचार क्रांति अभियान, विचार बदल जाए तो सबके बदल जाए, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आपको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी नेवर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। छाती चीर कर देती है बेटा, आजकल अन्न हम पैसे से खरीदते हैं, इसलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं, जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। पैसे से अन्न खरीदा नहीं जा सकता, अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती है। कोई उसका अपमान करता है तो धरती माँ दुखी होती है और दूसरे जन्म में उसे अन्न के लिए तरसाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऋषि युग की झलक, झांकी, पेज 208। क्या क्या लिखा है बेटा, फिर से पढ़िए तो, एक बार बोलिए ना प्लीज। हाँ पढ़िए। हाँ किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्या नाम है आपका? आपका वहाँ के मंदिर में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। गायत्री मंत्र आता है? हाँ, सुनाइए तो। कौन सा गायत्री मंत्र? अरे कोई भी सुना लो, गायत्री मंत्र मतलब। वाह अति सुंदर। मालूम है यज्ञ था? यज्ञ था, हाँ। किस लिए आज यज्ञ था? वो क्या बोलते हैं, इतना भी नहीं पता हमको। रिद्धि, और बड़ा होकर के क्या बनना है रिद्धि को? डॉक्टर। डॉक्टर, वाह वेरी गुड माय डियर। और आपको क्या बनना है बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर बनने के बाद लोगों का सेवा करेंगे ना, फ्री में ना पैसा लेंगे? हाँ, गुड। तो बोलिए माँ सरस्वती की जय। माँ सरस्वती की जय। देखो इधर देखो।